दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसे कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होने वाला है। 2022 में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था और महज 3 साल के अंदर 2024 खत्म होते होते ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। यानी कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को हम 3 साल में बना करके पहली फ्लाइट टेक ऑफ करवा देंगे। इतना बड़ा एयरपोर्ट एट प्रेजेंट टाइम न चाइना में है, न जापान में है, न रूस में है, एशिया में कहीं नहीं है, भारत में बनने जा रहा है। और इस वाले एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई चीजों पर काम किया जा रहा है, जैसे कि इसे मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, रोड कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा इसके लिए अलग से एक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसको कि फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे बोलते हैं। बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से 90 किलोमीटर की दूरी घट करके मात्र 31 किलोमीटर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं ये कौन सा एक्सप्रेसवे है जो कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम कर देगा। इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने से और क्या क्या फायदा होगा, कितना इसका कॉस्ट है, चलिए जानते हैं ऑल अबाउट इट। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों जेवर एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट के बाद भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। ऐसे में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए और इसी को देखते हुए फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाही ने पिछले साल जून के महीने में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था और 10-20 दिन बाद जून आ जाएगा, यानी कि इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन वर्क का 1 साल पूरा हो जाएगा। इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने के वजह से न सिर्फ लोगों को सुविधा होगी, बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ यह पूरे फरीदाबाद जेवर कॉरिडोर के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जरूरी योगदान देगा। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फरीदा के सेक्टर 65 से जोड़ेगा। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में वल्लभ नगर, अमरपुर और झुप्पा जैसे गांवों से होकर के गुजरेगा। टाइम्स प्रॉपर्टी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हरियाणा में एक्सप्रेसवे से बाहपुर, कलाम, मोहना, नरहावली और अन्य गांवों को जोड़ेगा। इस वाले एक्सप्रेसवे की सबसे अच्छी बात यह है कि पहले इस रूट का डिस्टेंस 90 किलोमीटर था, जो कि घट करके मात्र 31 किलोमीटर रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से आसपास की नगर पालिकाओं में रियल एस्टेट की मांग बढ़ती जा रही है। जिस गाँव से ये वाला एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, वहाँ के जमीनों की दाम बढ़ रही है और वहाँ के लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी तेजी आ सकती है। फरीदाबाद से जेवर जाने में 90 किलोमीटर की दूरी कवर करने में समय भी काफी लग जाता था, लेकिन अब 31 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में काफी कम समय लगेगा और ये तो एक्सप्रेसवे है, तो लोगों का और भी ज्यादा समय बच जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में जो भी इंटरचेंज बनाए जाएंगे उसका काम चल रहा है। हरियाणा के मोहना गांव में एक इंटरचेंज का काम चल रहा है और इस वाले इंटरचेंज के वजह से यह कुंडली गाजियाबाद पल्लव एक्सप्रेसवे को जेवर हाईवे से जोड़ेगा। यानी कि इस वाले एक्सप्रेसवे के वजह से कुंडली गाजियाबाद पल्लव एक्सप्रेसवे भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। इसके अलावा मोहना बागपुर फलोदा रोड पर एंट्री और एग्जिट रैंप का काम भी चल रहा है। अब अगर जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोड DXN है। पूरे वर्ल्ड में इसे इसी कोड के द्वारा जाना जाएगा। इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का काम यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। ये पब्लिक एयरपोर्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2024 खत्म होने से पहले दिसंबर तक इसके ऑपरेशनल होने की डेट है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल चल रहा है। ये वाला एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें रनवे की संख्या 6 है और हर रनवे की डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। ओवरऑल इसे 1334 हेक्टेयर के एरिया में बनाया जा रहा है और इस वाले एयरपोर्ट की कॉस्ट 29,650 करोड़ रुपया है। अगर आप इस वाले एयरपोर्ट के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देखें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।